हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा किचन। आज मैं जा रही हूँ वेज मंचूरियन विथ ग्रेवी बनाने, उसका जो बाजार से भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आइए इसे फटाफट बनाते हैं। जिसके लिए मैंने बहुत सारा पत्ता गोभी ले लिया हुआ है, उसे हम एक बाउल में डाल देंगे। जिसे मैंने एक बाउल में डाल दिया हुआ है, पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक मैंने गाजर ले लिया जिसे मैंने घिस लिया हुआ है। मैंने थोड़ा बीन्स ले लिया हुआ है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया हुआ है। और एक बारीक कटी प्याज ले ली मैंने। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ले लिया मैंने। आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च ले लिया हुआ है। एक चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस ले लिया हुआ है। आधा चम्मच विनेगर लिया हुआ है मैंने। और स्वाद अनुसार नमक। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। एक कप राइस फ्लोर लिया मैंने। आधा कप मैंने कॉर्न फ्लोर लिया हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हमें थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो हम और राइस और कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी पानी छोड़ता है इसलिए इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि मिश्रण सब अच्छे से मिल जाए। मिश्रण थोड़ा गीला लग रहा है, मैं इसमें 2 स्पून राइस फ्लोर और डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और हमें जब मंचूरियन बनाना हो तभी हम ये मिश्रण बनाएंगे। अगर पहले से बना के रखेंगे तो मंचूरियन अच्छी नहीं बनेगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। आइए अभी इसे तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया हुआ है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। अभी तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं ये देखेंगे हम। तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही करना है। आइए अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं मीडियम साइज के। ये देखिए इस तरह मंचूरियन टाइप के हो गए। इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप इसे घर में ट्राई जरूर कीजिए। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट। आप इसे एक बार घर में बनाएंगे तो बाहर बाजार का खाना छोड़ देंगे। इसे हम पलट के देख लेंगे। सारे बॉल्स पलट देंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसे। ये जब ब्राउन कलर के हो जाएंगे तभी हमें निकालना है। मंचूरियन ब्राउन हो चुका है, देखिए ब्राउन कलर। अभी से हम निकाल लेंगे।
बाकी की भी हम इस तरह बॉल्स बना के फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। इस तरह सारे बॉल्स को मैंने फ्राई कर लिया है। आइए अब इसके लिए अच्छे से ग्रेवी तैयार करते हैं फटाफट। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये मैंने लहसुन छील लिए थे, 15-20 लहसुन है जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिए, इसे हम डाल देंगे। ये मैंने अदरक भी बारीक बारीक कट कर लिए है, इसे भी डाल देंगे। मैंने 2 मिर्ची लिया हुआ है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी अच्छी तरह से फास्ट आंच पे भूनेंगे। इसे मैंने 1 मिनट तक भून लिया हुआ है। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और उसमें मैं डाल दूंगी कांदा जिसे मैंने बड़े साइज में काट लिया है। करीबन मैंने 1 कांदा लिया है जिसे मैंने बड़ा कट कर लिया है, बड़े बड़े साइज में। 1 शिमला मिर्ची लिया हो जिसे मैंने बड़े बड़े इसे भी मैंने बड़े साइज में कट कर लिए। अब इसे भी 1 मिनट तक मैं भूनूंगी। 1 मिनट तक थोड़ा सा पका लेंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है कांदा और शिमला मिर्ची, इसे मैंने 1 मिनट तक पका लिया। अब इसमें मैं 4 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। ये 4 चम्मच सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें। 2 चम्मच रेड चिली सॉस। एक चम्मच मैंने टमाटो केचप ले लिया हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया जिसे मैंने पानी में आधा कप पानी में घोल के रखा हुआ है, इसे भी मैं डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए इसे। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दूंगी। सॉल्ट कम ही डालना है क्योंकि सोया सॉस और ये डार्क चिली सॉस में नमक ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं कम ही सॉल्ट डालना है। इसे 4 से 5 मिनट तक मैं बॉईल होने दूंगी मीडियम फ्लेम पे ही। ग्रेवी को मैं 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर ली। ये बॉईल हो गया, इसमें अब थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 चम्मच शक्कर लिया हुआ है। सॉल्ट और शक्कर का मिश्रण बहुत अच्छा होता है। इसमें मंचूरियन डाल देंगे। मंचूरियन डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। इसे 1 मिनट तक मैं पका लूंगी ताकि ग्रेवी अच्छे से मंचूरियन में मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए मंचूरियन। इसमें आप स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसे अब 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, हमारा मंचूरियन तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे।
अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा वेज मंचूरियन एंड ग्रेवी तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे मैं काट के दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसे आप ट्राई जरूर करना, खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय।